गुड मॉर्निंग एवरीवन। हमारे पिछले लेक्चर में हम बात कर रहे थे वायुमंडल के संगठन और संरचना के बारे में। इस टॉपिक में वायुमंडल के संगठन के बारे में मैंने आप लोगों को बताया था, और आज हम बात करेंगे वायुमंडल की संरचना के बारे में। वायुमंडल जो है वो विभिन्न परतों में बटा हुआ है, और ये जो परतें हैं ये वायुमंडल की संरचना का अंग है। तो आज हम वायुमंडल की विभिन्न परतों के बारे में बात करेंगे। वायुमंडल जो है इसमें जैसे जैसे हम पृथ्वी के धरातल से ऊपर जाते जाते हैं, तो वायुमंडल में हवा की अनेक संकेंद्रित परतें हैं जो कि तापमान, घनत्व और वायुदाब की दृष्टि से एक दूसरे से भिन्न है। जो वायुमंडल का प्रभावी भाग है वो धरातल से 29,000 किलोमीटर तक है, किंतु इसमें लगभग 800 किलोमीटर तक का जो वायुमंडल है वो अधिक महत्वपूर्ण है। और वायुमंडल में ये जो जैसे ऊर्ध्वाधर रूप में हम ऊपर की तरफ जाते हैं, तो ऊर्ध्वाधर तापमान के वितरण के आधार पे वायुमंडल को मुख्य रूप से 5 परतों में बांटा गया है, जिनके बारे में हम आज चर्चा करेंगे। आज हम इस टॉपिक पे बात करेंगे। अब अगर हम देखें तो वायुमंडल जो है ये धरातल के पास सबसे पहले, अगर आपको इस डायग्राम में दिख रहा होगा, तो सबसे नीचे जो लेयर है वो है ट्रोपोस्फेयर। ट्रोपोस्फेयर के ऊपर है स्ट्रेटोस्फेयर, उसके ऊपर मेसोस्फेयर, उसके ऊपर थर्मोस्फेयर। जो ट्रोपोस्फेयर है ये है हमारी शोभ मंडल। शोभ मंडल के ऊपर समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल आयनोस्फेयर, और फिर बहिर्मंडल। इस तरह से हमारा जो वायुमंडल है ये 5 परतों में बटा हुआ है। धरातल से जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे तो सबसे निचली परत कहलाती है शोभ मंडल, उसके ऊपर समताप मंडल, और उसके ऊपर मध्य मंडल, मध्य मंडल के ऊपर आती है आयन मंडल, और उसके ऊपर बहिर्मंडल। जिन 5 परतों के बारे में हम आज चर्चा करेंगे। अब अगर इसमें हम सबसे पहले देखें तो आता है, सबसे पहली जो परत है वो आती है हमारी शोभ मंडल, जिसे कि हम अंग्रेजी भाषा में ट्रोपोस्फेयर कहते हैं। इसका शाब्दिक अर्थ है परिवर्तन या शोभ। ये जो मंडल है इसको विभिन्न नाम दिए गए हैं, जैसे ये संवहनी क्षेत्र कहलाता है, इसे परिवर्तन मंडल कहा जाता है, ये विक्षोभ मंडल भी कहलाता है। इसे इसकी जो ऊपरी सीमा है उसे ट्रोपोपॉज कहा जाता है, जिसके बारे में सबसे पहले टिजरेन डी बोट हुए हैं, उन्होंने इसके बारे में बताया था। और ये जो ट्रोपोस्फेयर है ये वायुमंडल की सबसे निचली परत है, सबसे सघन परत है, और ये वायुमंडल का जो कुल आयतन है उसके लगभग 75% भाग जो है वो इसी परत में केंद्रित है। अगर हम देखें तो इसकी जो ऊंचाई है, आप अगर यहाँ पर देखेंगे इस वाले डायग्राम में, तो इसकी ऊंचाई यहाँ पर ध्रुवों के ऊपर लगभग 8 किलोमीटर ऊंची है, जबकि विषुवत रेखा के ऊपर इसकी ऊंचाई जो है वो लगभग 18 किलोमीटर मानी जाती है, और औसत रूप से इसकी ऊंचाई धरातल से 12 किलोमीटर तक मानी जाती है। यानी कि विषुवत रेखा के ऊपर ये शोभ मंडल अधिक ऊंचाई तक है, और ध्रुवों के ऊपर इसकी ऊंचाई जो है वो कम हो जाती है। ये जो परत है इसमें जैसे जैसे हम धरातल से ऊपर की तरफ जाते हैं तो तापमान जो है वो घटता जाता है, और उसकी दर जो है वो लगभग 1000 मीटर पर जो तापमान है वो 6.5 डिग्री सेल्सियस कम हो जाता है। और अगर हम इसको फ़ारेनहाइट में देखें तो ये जो है ये 3.6 डिग्री फ़ारेनहाइट की दर से ये जो तापमान है ये घटता है। इस परत में धूल कण और जलवाष्प की मात्रा जो है वो सर्वाधिक होती है, और इसी वजह से बादल, तूफान आदि जो है उनकी उत्पत्ति इस शोभ मंडल में ही होती है।
सौरमंडल की जो ऊपरी सीमा है वहां पर जेट धाराएं चलती हैं, और ये जो मंडल है सौरमंडल मौसम विज्ञान की दृष्टि से, जलवायु की दृष्टि से यही सबसे अधिक महत्वपूर्ण परत है वायुमंडल की, क्योंकि जितनी भी मौसम से संबंधित घटनाएं होती हैं वो इसी मंडल में होती हैं। तो इस प्रकार ये जो सौरमंडल है ये सर्वाधिक महत्वपूर्ण परत है। इसकी जो ऊपरी सीमा है सौरमंडल को, जो कि समताप मंडल से अलग करती है, वो शोभ सीमा है, जिसे कि हम ट्रोपोपॉज बोलते हैं। शोभ मंडल कहलाता है ट्रोपोस्फेयर, और इसकी जो ऊपरी सीमा है वो कहलाती है ट्रोपोपॉज। ये जो ट्रोपोपॉज है, शोभ सीमा है, ये शोभ मंडल को इसके ऊपर वाली जो परत है यानी कि समताप मंडल से अलग करती है। इसको हम मौसमी परिवर्तन की छत भी कहते हैं, क्योंकि जितनी भी मौसम से संबंधित परिवर्तन होते हैं वो शोभ मंडल में ही होते हैं, उसके आगे की परत यानी समताप मंडल में नहीं होते हैं। इसलिए शोभ सीमा को मौसमी परिवर्तन की छत कहा जाता है। ये लगभग 11 किलोमीटर, इसकी औसत ऊंचाई है 11 किलोमीटर पे ये पाई जाती है, और इसकी जो चौड़ाई है, मोटाई है, वो लगभग 1.5 किलोमीटर है। ये एक संकरी और असमान मोटाई वाली परत है, और जो भी जो ये शोभ सीमा है ये सभी प्रकार के जो तूफान हैं, मेघ हैं, उनकी ऊपरी सीमा को, बाहरी सीमा को निर्धारित करती है। जितनी भी संवहन धाराएं हैं उनका यहाँ पर अंत हो जाता है। नेपियर शॉ एक भूगोलवेता हुए हैं, जलवायुवेता, उन्होंने सबसे पहले इसे शोभ सीमा का नाम दिया था। इसके बाद आता है दूसरा मंडल, समताप मंडल। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये जो दूसरी परत है, ये इधर ये जो तिरछी लाइन जा रही है इसके ऊपर वाली जो ये परत है, जो कि ध्रुवों पर 8 किलोमीटर से शुरू होकर के 50 किलोमीटर तक, और भूमध्य रेखा पे 18 किलोमीटर से शुरू होकर के ऊपर 50 किलोमीटर तक की ऊंचाई पे जो परत पाई जाती है, जिसका विस्तार है, वो समताप मंडल या स्ट्रेटोस्फेयर कहलाती है। समताप मंडल जो है यहाँ पर तापमान समान रहता है, इस कारण इसे समताप मंडल कहते हैं, यानी सम यानी समान, ताप यानी तापमान। तो वो मंडल जहां पर तापमान जो है वो समान रहता है समताप मंडल कहलाता है। इस परत में ओजोन गैस पाई जाती है, जो कि हमारी जीवन रक्षा या रक्षा कवच वाली गैस कहलाती है। इस परत में ओजोन की उपस्थिति होने के कारण ऊंचाई के साथ तापमान जो है वो घटने की बजाय बढ़ने लगता है, क्योंकि वैसे तो अगर हम देखें तो जैसे जैसे हम ऊंचाई पे जाएंगे तो तापमान जो है वो कम होना चाहिए, तापमान जो है वो कम होना चाहिए, लेकिन इस मंडल में ओजोन गैस की उपस्थिति के कारण तापमान जो है वो गिरने की बजाय बढ़ने लगता है, क्योंकि ओजोन गैस जो है वो सूर्य से आने वाली जो हानिकारक पराबैंगनी किरणें होती हैं उनको अवशोषण करती है, उनको सोखती है, और जिसकी वजह से इस परत में तापमान जो है वो अधिक हो जाता है। ये परत जो है इसमें 20 किलोमीटर की ऊंचाई तक, धरातल से लेकर के 20 किलोमीटर की ऊंचाई तक तापमान जो है वो अपरिवर्तित रहता है, किंतु उसके बाद तापमान धीरे धीरे बढ़ता जाता है, और इसकी जो ऊपरी सीमा है समताप मंडल की, जो कि लगभग 50 किलोमीटर पर है, वहां पर तापमान 0 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। इस परत के में जो है ये परत मौसमी हलचलों से मुक्त होती है, यहाँ पर किसी भी प्रकार की मौसमी हलचल ही नहीं होती है, कोई बादल तूफान वगैरह नहीं होते हैं। तो इस वजह से जितने भी विमान चालक होते हैं, वायुयान चालक होते हैं, पायलट्स जो हैं वो इस परत में विमान चलाते हैं, विमान चलाना वो पसंद करते हैं। यह मंडल वैसे तो जलवाष्प और धूल कणों से मुक्त है, किंतु
इसीलिए यहाँ पर जो है मेघों का अभाव होता है, मेघ नहीं होते हैं। किंतु कभी कभी क्या होता है कि जो बहुत तेज, बहुत शक्तिशाली, प्रबल संवहनीय धाराएं होती हैं, वो शोर सीमा को शोर सीमा को, ट्रोपोपॉज को तोड़कर जलवाष्प को ऊपर ले आती है इस परत में, और कुछ विशेष मेघों का निर्माण होता है यहाँ पर, जो कि मुक्ताग मेघ या जिन्हें मदर ऑफ पर्ल क्लाउड कहते हैं, वो यहाँ पर पाए जाते होते हैं, कभी कभी बनते हैं। संताप मंडल जो है इसकी मोटाई ध्रुवों पर सर्वाधिक है, और शीत ऋतु की अपेक्षा ग्रीष्म ऋतु में यह परत जो है वो अधिक ऊंची हो जाती है। ध्रुवों की अपेक्षा विषुवत रेखा पर अधिक ऊंची होती है ये ग्रीष्म ऋतु। इसके बाद जो तीसरी परत है वो आती है हमारी मध्यमंडल, जो कि यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 50 किलोमीटर से लेकर के 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक ये परत जो है वो पाई जाती है, जो कि मध्यमंडल कहलाती है। इससे मध्यमंडल के बारे में बताने से पहले हम शोभ, ये जो समताप मंडल है इसके अंदर ही जो ये ओजोन गैस है, इसकी उपस्थिति होने के कारण इसमें ओजोन मंडल भी पाया जाता है, जिसके बारे में हम पहले बात कर लेते हैं। ओजोन मंडल जो है वो समताप मंडल के निचले भाग में, यानी कि 15 किलोमीटर से 35 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है। यहाँ पर जो ओजोन गैस है ये, इसकी मात्रा अधिक होती है, इसीलिए यहाँ पर समताप मंडल के अंदर ही ये ओजोन मंडल वाली परत पाई जाती है। कई बार आपसे सामान्य ज्ञान के प्रश्न में ये आ जाता है कि ओजोन गैस जो है वो कितने किलोमीटर्स की ऊंचाई पर पाई जाती है, तो ओजोन गैस जो है उसकी मात्रा 15 से 35 किलोमीटर के बीच में अधिक होती है। जैसा कि मैंने अभी बताया कि ओजोन गैस जो है वो पराबैंगनी किरणों को छानने का काम करती है और उनको धरातल तक आने से रोकती है, हानिकारक पराबैंगनी किरणों को। रासायनिक प्रक्रियाओं की इस परत में प्रधानता होती है, इसीलिए कुछ वैज्ञानिक इसे क्रेमोस्फेयर के नाम से भी संबोधित करते हैं, और यहाँ पर तापमान जो है वो ओजोन गैस की उपस्थिति के कारण अधिक रहता है। किंतु मनुष्य जैसे जैसे विकास करता जा रहा है, वो पर्यावरण के साथ छेड़छाड़ कर रहा है, उसने तकनीकी विकास कर लिया है, तो उसने कुछ हानिकारक गैसों का उत्सर्जन भी शुरू कर दिया है। CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैसें जो हैं, वो इस ओजोन परत को, जो कि एक रक्षा कवच का काम करती है हमारे लिए, हानि पहुंचाती है और इसकी मात्रा को वो कम करती है, जिस कारण आपने सुना होगा कि ये कहने में आता है कि ओजोन परत जो है उसमें छिद्र हो रहा है, या ओजोन परत की जो मात्रा है वो कम हो रही है, उसके लिए सबसे अधिक जो जिम्मेदार गैस है वो है CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन। अब इसके बाद अगर हम देखें तो हम बात करते हैं अब मध्यमंडल की। मध्यमंडल जो है इसे इंग्लिश में मेसोस्फीयर कहते हैं। समताप मंडल की ऊपर वाली जो परत है वो मध्यमंडल है। इसकी ऊंचाई जो है वो यहाँ पर आप देखें 50 से लेकर के 80 किलोमीटर तक ध्रुवों पर, 50 से 80 तक ध्रुवों पर, और भूमध्य रेखा पर 50 से लेकर के 80 किलोमीटर तक, यानी कि मध्य मंडल जो है वो 50 से लेकर के 80 किलोमीटर के बीच में पाया जाता है। समताप मंडल के ऊपर ये परत स्थित है, और यहाँ पर तापमान जो है वो वापस गिरने लगता है, क्योंकि यहाँ पे ओजोन गैस तो मौजूद नहीं है, इसीलिए जैसे जैसे हम ऊंचाई पे बढ़ते हैं तापमान जो है वो गिरता जाता है, और 80 किलोमीटर की ऊंचाई पर तापमान जो है वो न्यूनतम यानी कि -100 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच जाता है। इस परत में उल्काओं के अधिक विखंडन होने के कारण उल्का धूलकण जो है वो अधिक मात्रा में जमा हो जाते हैं, जो कि आर्द्रता नाभिक केंद्रों का कार्य करते हैं और
हिमकणों के निर्माण में सहायक होते हैं। यहाँ पर वायुदाब जो है वो एकदम कम हो जाता है 50 किलोमीटर पर 1 मिलिबार और 90 किलोमीटर की ऊंचाई पर 0.01 मिलिबार वायुदाब होता है। मध्यमंडल के बाद जो परत आती है वो है आप ताप मंडल या जिसे हम आयन मंडल कहते हैं, थर्मोस्फेयर और आयनोस्फेयर। ये परत जो है ये यहाँ पर आप देखें तो ये 80 से लेकर के 400 किलोमीटर की ऊंचाई तक, 80 से 400 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाई जाती है, यानी मध्य मंडल के ऊपर। एक बात और बता दूं कि जैसे जो समताप मंडल है इसको शोक मंडल से अलग करती है शोक सीमा, यानी ट्रोपोस्फेयर के और स्ट्रेटोस्फेयर को अलग करने वाली ये जो सीमा है ये है ट्रोपोपोज या शोक सीमा। समताप मंडल को मध्य मंडल से अलग करती है वो यहाँ पर ये जो सीमा है इसकी वो है स्ट्रेटोस्फेयर, समताप सीमा। और मध्य मंडल को जो आयन मंडल से अलग करती है वो सीमा कहलाती है मध्य सीमा या मेसोपोज। अब हम मध्य मंडल के बारे में बात करते हैं थोड़ी। मध्य मंडल जो है ये इसकी बात हो गई, अब हम आते हैं ताप मंडल पर या आयन मंडल पर। ये जो परत है ये जैसा कि अभी मैंने आपको बताया 80 से लेकर के 400 किलोमीटर की ऊंचाई के बीच विस्तृत है और यहाँ पर सूर्य की जो परावैंगनी विकिरण होती है वो आणविक ऑक्सीजन द्वारा अवशोषित होने के कारण ऊंचाई के साथ साथ तापमान जो है वो तीव्र गति से बढ़ता है। इस परत के अस्तित्व का आभास जो है वो सबसे पहले रेडियो तरंगों के द्वारा हुआ और इसमें ध्रुवीय ज्योति, ध्वनि तरंगों, रॉकेटों आदि के द्वारा इसके संबंध में हमें जो भी जानकारी वो प्राप्त होती है। 60 किलोमीटर पर वायुदाब जो है, धरातल से 60 किलोमीटर की ऊंचाई पर वायुदाब जो है वो 0.35 मिलीबार रह जाता है। इतने कम दाब के कारण परावैगनी फोटॉन्स जो है तथा उच्च वेगीय कणों के आणविक ऑक्सीजन से तीव्र गति से टकराने के फलस्वरूप वायुमंडलीय ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का आयतन जो है वो हो जाता है, यहाँ पे आयनाइजेशन हो जाता है और विद्युत आवेश उत्पन्न होते हैं इस परत में। इस परत का महत्व रंग बिरंगी ध्रुवीय प्रकाश के लिए भी है जिन्हें सुमेरु ज्योति, उत्तरी ध्रुवीय प्रकाश उत्तरी ध्रुव के पास, और कुमेरु ज्योति दक्षिणी ध्रुवीय प्रकाश कहते हैं। यह मंडल जो है वो कुछ उप परतों में बटा हुआ है, अनेक परतों में आयनीकृत परतों में विभक्त है, जिसमें सबसे पहले यानी सबसे नीचे आती है डी परत जिसकी ऊंचाई 60 से लेकर के 90 किलोमीटर तक है। यह परत दीर्घ रेडियो तरंगों का परावर्तन करती है और मध्यम व लघु तरंगों को ये सोख लेती है। यह परत केवल दिन में दिखाई देती है और रात में यानी कि सूर्यास्त के बाद ये परत विलीन हो जाती है, लुप्त हो जाती है। इसके ऊपर आती है ई परत जिसकी ऊंचाई जो है वो 90 से लेकर के 130 किलोमीटर के बीच विस्तृत है। यह परत मध्यम व लघु तरंगों को परावर्तित करती है और रात्रि में यह परत भी विलीन हो जाती है, दिखाई नहीं देती। इसके बाद आती है विशिष्ट ई परत जहां उल्काओं के प्रवेश के कारण इसकी उत्पत्ति होती है और इसके प्रभाव केवल अत्यंत लघु रेडियो तरंगों पर ही इसका प्रभाव जो है वो पड़ता है। इसके ऊपर आती है एफ परत। एफ परत जो है उसकी ऊंचाई 130 से लेकर के 300 किलोमीटर के बीच होती है। इसे F1 और F2 परतों में बांटा गया है और ये दोनों परतें रेडियो की लघु तरंगों को परावर्तित करती हैं। इसके ऊपर अंतिम परत आती है आयन मंडल की जी परत जिसकी ऊंचाई धरातल से लगभग 400 किलोमीटर तक है। इसके बाद अंतिम जो परत है वो है बहिर्मंडल। यहाँ देखो 400 किलोमीटर से ऊपर वाला जो एरिया है वो बहिर्मंडल
कहलाता है। बहिर्मंडल जो है इसे चुंबकीय मंडल भी कहते हैं, यानी एक्सोस्फेयर एंड मैग्नेटोस्फेयर। ये वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत है जिसका अध्ययन लीमन स्पिट्जर ने किया था, और ये जो परत है ये 400 से लेकर 800 किलोमीटर के बीच में विस्तृत है। यहाँ पर वायु जो है वो अत्यंत ही विरल हो जाती है और यहाँ तापमान जो है वो क्रमिक रूप से बढ़ता जाता है ऊंचाई के साथ। यहाँ हाइड्रोजन और हीलियम गैस जो है उनकी प्रधानता है, क्योंकि ये गैसें हल्की है और अधिक ऊंचाई तक ये पाई जाती है। यहाँ वायुमंडल जो है वो निहारिका के रूप में, मतलब गैस के रूप में हो जाता है, और यहाँ गुरुत्वाकर्षण शक्ति अपेक्षाकृत की अपेक्षा पृथ्वी का जो चुंबकीय क्षेत्र है वो अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है। इसके बाद हम ये तो बात हुई वायुमंडल की जो परतें हैं उनका जो सामान्य वर्गीकरण किया गया है कि वायुमंडल की जो परतें हैं उनको पांच परतों में बांटा गया है। जैसे कि हमने भी बात करी, सबसे निचली परत जो है वो है शोभ मंडल, उसके ऊपर समताप मंडल, समताप मंडल के अंदर ही ओजोन मंडल है, समताप मंडल के बाद आता है आपका मध्यम मंडल, मध्यम मंडल के बाद आती है आपकी आयन मंडल, आयन मंडल के ऊपर है बहिर्मंडल। इस प्रकार ये जो पांच परतें हैं इनके बारे में हमने बात करी। अब वायुमंडल जो है उसका एक नवीन वर्गीकरण भी किया गया है, नवीन वायुमंडल की संरचना संबंधी जो नूतन परिकल्पना है उसके अनुसार ये मार्सल निकोलेट ने इस विचारधारा को रखा था, और इन्होंने वायुमंडल की जो परतें हैं उनको दो प्रमुख और उसके बाद उप परतों में बांटा है। इन्होंने वायुमंडल को दो परतों में बांटा, सममंडल और विषम मंडल। यहां पर अगर आप देखें तो ये वाला जो है ये सममंडल और इसके ऊपर ये विषम, ये इतना तो है ये सममंडल जिसकी ऊंचाई जो है वो लगभग 90 किलोमीटर तक है, और इसके ऊपर जो है ये है विषम मंडल। इनके बारे में अब हम बात करेंगे। जो सम मंडल है ये वायुमंडल का निचला भाग है जिसकी सीमा 90 किलोमीटर और कुछ भूगोलवेत्ता 88 किलोमीटर तक बताते हैं। इसे सम मंडल इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर सभी गैसों का अनुपात जो है वो समान रहता है। इसकी रचना मुख्य रूप से नाइट्रोजन और ऑक्सीजन गैस से हुई है, और जो हमने अभी वायुमंडल का वर्गीकरण किया था परतों का सामान्य, उसके अंतर्गत देखें तो परिवर्तन मंडल, उसके ऊपर समताप मंडल और मध्य मंडल, ये तीनों मंडल जो है वो इस सम मंडल के अंतर्गत शामिल हैं। और इसके बाद जो ऊपरी भाग है वो कहलाता है विषम मंडल, जिसे हेट्रोस्फेयर कहते हैं, जिसकी ऊंचाई जो है वो 90 से लेकर के 10,000 किलोमीटर तक है, और इस परत को थर्मोस्फेयर भी कहते हैं। यहाँ रासायनिक तत्वों की प्रधानता है और इस परत को चार उप विभागों में बांटा गया है। सबसे निचली परत है आण्विक नाइट्रोजन परत जिसकी ऊंचाई 90 से 200 किलोमीटर तक बताई गई है। इसके बाद है आण्विक ऑक्सीजन परत जिसकी ऊंचाई 200 से लेकर के 1100 किलोमीटर तक है। फिर आती है आण्विक हीलियम परत जिसकी ऊंचाई 1100 से लेकर के 3500 किलोमीटर तक है। और अंतिम परत यानी सबसे ऊंची जो परत है इसमें वो है आण्विक हाइड्रोजन परत जो कि 3500 से लेकर के 10,000 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाई जाती है। इस प्रकार हम देखें तो वायुमंडल जो है उसको पांच परतों में बांटा गया है जो सामान्य वर्गीकरण है, शोभ मंडल, समताप मंडल, मध्यम मंडल, आयन मंडल, बहिर्मंडल। और जो उसका संरचना का जो न्यूटन परिकल्पना है उसके अनुसार उसे दो वर्गों में बांटा गया है, सम मंडल और विषम मंडल। अब अगर हम हमारे इस टॉपिक को रिवाइज करें तो वायुमंडल की जो संगठन है उसके अंतर्गत वो तीन चीजों से बना है मुख्य रूप से, जिसमें आती है गैसें, गैसों के बाद जलवाष्प और धूलकण, जो कि सम्मिलित रूप से धूलकण जो है जितने भी प्रकार के वो सारे तरल और ठोस धूलकण जो है वो एरोसॉल कहलाते हैं। यानी कि वायुमंडल का संगठन जो है वो गैसों से, विभिन्न गैसें, जलवाष्प और एरोसॉल से बना है। और वायुमंडल की संरचना जो है उसके अंतर्गत हम पढ़ते हैं वायुमंडल की जो विभिन्न परतें हैं ऊंचाई के साथ साथ, जिसको कि पांच परतों में बांटा गया है,
शोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और बहिर्मंडल। और इसका जो दूसरा वर्गीकरण है वो है सममंडल और विषम मंडल। इस प्रकार हमारा जो वायुमंडल के का संगठन और संरचना का जो टॉपिक है ये हमारा पूरा होता है। थैंक यू।